नमस्कार, मैं हूं अनुज मिश्रा और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। आज जिस खबर की चर्चा करने वाला हूं वो जुड़ी हुई है सामाजिक सरोकार की फिल्में, या फिर यूं कहें कि सामाजिक सरोकार से जुड़ा होने के नाते देश के हित में कुछ ऐसे ही कदम उठाने वाले अक्षय कुमार को आप कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी से की तरफ से बहुत बड़ा तोहफा मिल सकता है, लेकिन मिला नहीं है, मिल सकता है। आपको मैं बता दूं कि सामाजिक सरोकार से जुड़ी फिल्में बनाकर और सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रहने वाले अक्षय कुमार को अब इसका इनाम मिलने की चर्चा जोरों शोरों पर चल रही है। कहने को यह है कि जिस तरीके से रेखा, बॉलीवुड की जो हसीन अदाकारा माना जाता है जिनको, रेखा, उनको जिस तरीके से राज्यसभा की भेजा गया था सरकार के द्वारा, और सचिन तेंदुलकर को भी राज्यसभा भेजा गया था, लेकिन उनके रेखा की सीट पर, रेखा का है क्या कि अब वो पूर्ण कार्यकाल उनका पूर्ण हो गया है, पूरा होने के बाद आप रेखा के कार्यकाल के ऊपर जो सीट खाली करेंगी उनकी सीट पर अब कई नाम जो हैं बॉलीवुड जगत से आ रहे हैं, लेकिन उन नामों के बीच में सबसे ज़्यादा जो नाम उभर कर आ रहा है वो नाम है अक्षय कुमार का। और अक्षय कुमार को प्रधानमंत्री मोदी हो सकता है कि राज्यसभा के लिए भेज सकते हैं। कहने का मतलब मेरा साफ यही है, क्योंकि आपने देखा होगा कि चाहे टॉयलेट एक प्रेम कथा और स्वच्छता अभियान को लेकर के कई ऐसी फिल्में बना चुके अक्षय कुमार, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी के नज़रों में बने हुए हैं, और उनकी, अक्षय कुमार की सराहना प्रधानमंत्री मोदी ने जमकर की भी है, आए दिनों करते भी चले आए हैं आए दिनों। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अब जो देखा जा रहा है कि राज्यसभा सीट के लिए जो उम्मीदवार बनाए जाएंगे, क्या वो बॉलीवुड जगत से होगा? कोई कई नाम है कि बॉलीवुड जगत से कई ऐसे नाम हैं जिनको कहीं ना कहीं एंट्री मिल सकती है राज्यसभा में। लेकिन सबसे पहले जो नाम जोरों शोरों पर चल रहा है वो नाम है अक्षय कुमार का, और अक्षय कुमार के लिए अगर राज्यसभा में जाने का कोई विरोधाभास उत्पन्न होता है तो वो है उनकी कनाडा की नागरिकता। कनाडा की नागरिकता उनको कहीं ना कहीं रोड़ा बन सकती है राज्यसभा जाने में। आपको मैं रिपोर्ट के जरिए दिखाता हूँ कि आखिर कौन किस तरीके से राज्यसभा अक्षय कुमार को सरकार भेजने का प्लान बना रही है, या फिर कई और अन्य नामों पर चर्चा चल रही है। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। सामाजिक सरोकार से जुड़ी फिल्में बनाकर और सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रहने वाले अक्षय कुमार को अब इसका इनाम मिलने की चर्चा जोर शोर से चल रही है। बताया जा रहा है कि अक्षय कुमार को राज्यसभा का सदस्य बनने का मौका मिल सकता है। दरअसल कला, संस्कृति, साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र से राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति की ओर से मनोनीत की जाने वाली 12 हस्तियों में से 3 का कार्यकाल अप्रैल में खत्म होने जा रहा है। इन 3 सीटों से फिलहाल व्यवसायी अनु आगा, क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और फिल्म अभिनेत्री रेखा राज्यसभा में है, जिनका कार्यकाल अगले महीने पूरा होने वाला है। मीडिया में आ रही खबरों की माने तो रेखा की सीट के लिए अक्षय कुमार, जूही चावला और गजेंद्र चौहान का नाम सबसे आगे रहा है। हालांकि सलमान खान के पिता सलीम खान, विवेक ओबराय के पिता सुरेश ओबराय, ऋषि कपूर, जैकी श्रॉफ, वहीदा रहमान, आशा पारिख, मधुकर भंडारकर और अनुपम खेर के नामों की भी चर्चा हो रही है। इन नामों की लिस्ट में अक्षय कुमार का नाम सबसे ऊपर बताया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक फिल्म अभिनेत्री रेखा की सीट को भरने के लिए कई फिल्मी हस्तियों ने पार्टी हाईकमान से भी संपर्क किया है, लेकिन अक्षय को बीजेपी के कई नेताओं का करीबी माना जाता है और इसका उन्हें फायदा हो सकता है। इसके अलावा अक्षय कुमार महिलाओं के लिए शौचालय निर्माण, प्रधानमंत्री के स्वच्छता अभियान से भी काफी सक्रियता से जुड़े हैं, और वो इस काम के लिए ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन भी काफी वक्त देते हैं, जिसकी प्रधानमंत्री मोदी तक सराहना कर चुके हैं। इसके साथ ही अक्षय ने देश के शहीद जवानों के कई परिवार वालों की आर्थिक सहायता भी की है। इन वजहों से जनता के बीच भी उनकी छवि काफी प्रभावशाली बनी हुई है, जो उन्हें एक मजबूत उम्मीदवार बनाता है।
हालांकि अक्षय कुमार की कनाडा की नागरिकता उनके राज्यसभा का सदस्य बनने की राह में रुकावट हो सकती है। जी हाँ बिल्कुल, आपको मैं बता दूं कि अक्षय कुमार को राज्यसभा का सदस्य बनने का मौका मिल सकता है। दरअसल कला संस्कृति और साहित्य व समाज सेवा के क्षेत्र से राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति की ओर से मनोनीत किए जाने वाले 12 हस्तियों में से 3 का कार्यकाल अप्रैल में खत्म होने जा रहा है। इन 3 सीटों से फिलहाल व्यवसायी अनु आगा, क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और फिल्म अभिनेत्री रेखा राज्यसभा में हैं, जिनका कार्यकाल अगले महीने पूरा होने वाला है। अब मीडिया में जो खबरें आ रही हैं, खबरों के अनुसार अगर बताया जाए तो रेखा सीट के लिए अक्षय कुमार, जूही चावला और गजेंद्र चौहान नाम सबसे आगे चल रहा है। हालांकि सलमान खान के पिता सलीम खान, विवेक ओबराय के पिता सुरेश ओबराय और ऋषि कपूर जैसे जैकी श्रॉफ, वहीदा रहमान, आशा पारिक, मधुकर भंडारकर और अनुपम खेर के नामों की भी चर्चा हो रही है। इन नामों की लिस्ट में अक्षय कुमार का नाम सबसे ऊपर बताया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक फिल्म अभिनेत्री रेखा की सीट को भरने के लिए कई फिल्मी हस्तियों ने पार्टी हाईकमान से भी संपर्क किया है, लेकिन अक्षय को बीजेपी के कई नेताओं को करीबी माना जाता है और इसका उन्हें फायदा हो सकता है। इसके अलावा अक्षय कुमार महिलाओं के लिए शौचालय निर्माण, प्रधानमंत्री स्वच्छता अभियान और का उसमें भी काफ़ी सक्रिय रह चुके हैं और वो इस काम के लिए ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन भी काफ़ी इन प्रोग्रामों में वक्त भी देते रहे हैं। देश के जवानों के, शहीद जवानों के परिवारों की मदद को लेकर कोई हो, उनको भी कई तरीके की मदद देते रहे, तो इस छवि उनकी जो प्रभावशाली बनी हुई है, इन मजबूत उम्मीदवार उनको इस तरीके से देखा जा रहा है राज्यसभा के लिए। हालांकि बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो कहीं ना कहीं इन नामों के बीच में आते हैं। अब देखना ये है कि इन नामों के बीच में क्या अक्षय कुमार भारी पड़ सकते हैं और अक्षय कुमार की ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन में जिस तरीके से सामाजिक सरोकारता में जन भागीदारियों के साथ कहीं ना कहीं उनकी भागीदारी बहुत अच्छी तरीके से रही है और राष्ट्रपति के द्वारा जो मनोनीत किए जाते हैं लोग, चाहे वो राज्यसभा के लिए अक्षय कुमार हों और समाज सेवा से भी कई ऐसे जो धुरंधर लोग हैं वो राज्यसभा मनोनीत राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं, लेकिन वजह कई है और इन सबकी वजहों के बीच में जिसका पल्ला भारी पड़ेगा, जिसकी किस्मत में राज्यसभा की सीट लिखी होगी वो जरूर आएगा। लेकिन एक बात जरूर है कि अक्षय कुमार की अगर बीच में रोड़ा अगर कोई चीज़ बनती है तो वो अक्षय कुमार के लिए सबसे ज़्यादा रोड़ा बनेगी, वो है राज्यसभा की सीट के लिए। कनाडा की नागरिकता कहीं ना कहीं उनको मिली हुई है और वो कनाडा के वासी भी हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं इस वजह से भी उन्हें इस चीज़ में मात खानी पड़े। हालांकि इसके बाद अगर सबसे ज़्यादा अगर नाम अगर मेरे जहन में आता है तो वो अनुपम खेर का है, क्योंकि अनुपम खेर ने जिस तरीके से सरकार के पक्ष में रहे, सरकार की नीतियों को अच्छा ठहराते रहे, सरकार की जो नीतियाँ हैं, कई लोगों ने तो अनुपम खेर को नरेंद्र मोदी का चमचा भी बोल दिया था और अनुपम खेर इस चीज़ों से कभी नहीं डरे और वो लगातार प्रधानमंत्री मोदी की लगातार प्रशंसा करते रहे और उनके सपोर्ट में कहीं ना कहीं उन्होंने मार्च भी निकाला था और प्रधानमंत्री मोदी से मिले भी थे। हालांकि उनके भी बड़े चांसेज हैं कि वो राज्यसभा में आ सकते हैं। जैकी श्रॉफ और जिस तरीके से विवेक ओबराय के पिता ऋषि कपूर, इन सभी जो नाम है कहीं ना कहीं वो प्रधानमंत्री मोदी के जहन में है या फिर सिर्फ ये नाम जो है सिर्फ एक कागज़ के तौर पर है या फिर आने वाले दिनों में इन नामों में से कोई एक ऐसा नाम है जो कहीं ना कहीं राज्यसभा के लिए मनोनीत किया जाएगा। आपको मैं बता दूं कि गजेंद्र चौहान जो है उनका भी नाम चल रहा है, हालांकि अनुपम खेर है वो FTI जो है या यूँ कहें कि नेशनल ड्रामा जो स्कूल है उसके भी चीफ है, लेकिन उसके बाद भी क्या उनको राज्यसभा में भेज सकते हैं सरकार? वैसे कई तरीके से असमंजस है, लेकिन मुझे लगता है अगर सबसे ज़्यादा अगर सबसे ऊपर नाम चल रहा है तो वो अक्षय कुमार का होना चाहिए, क्योंकि अक्षय कुमार ने जिस तरीके से
सामाजिक सरोकारिता में जन भागीदारी है उनकी, जिस तरीके से वो भाग लेते हैं और देश के लिए, जवानों के लिए जो प्रेरित उन्हें वो लगातार करते रहते हैं, तो इस हिसाब से वो राज्यसभा के लिए, राज्यसभा उम्मीदवार के लिए बहुत फिट बैठते हैं। और मुझे लगता है कि इनके जहन में या सरकार के जहन में अक्षय कुमार पहले नंबर पर उतरेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की क्या मंशा है, क्या वो राज्यसभा में अक्षय कुमार को ही भेजना चाहते हैं, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा किसका नाम उभर के आता है राज्यसभा के लिए। तब तक देखना होगा, इंतजार करना होगा कि आखिर कौन राज्यसभा जाता है। आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक लिए नमस्कार।